मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ दीपक जसवाल। आज सभी लोग क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नव वर्ष के लिए न्यू सेशन के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कि वो नाइन्थ से टेंथ में आए। आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि क्लास टेंथ में साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर तीन पार्ट डिवाइड है बेटा। एक पार्ट है बेटा फिजिक्स का, एक पार्ट है केमिस्ट्री का और एक पार्ट है बायो का। तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर आपके बायो के। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके जो बायो के चैप्टर हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कुछ फिजिक्स के चैप्टर हैं, तो इन तीन पार्ट में पूरी आपकी साइंस के सिलेबस जो है वो डिवाइडेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायो। इतना क्लियर बेटा? खैर, वैसे तो आप नाइन्थ में आपको मालूम है तीन पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा भी, अलग अलग बुक्स पढ़ी भी एनसीईआरटी की अलग अलग, और उसके अंदर अलग अलग पार्ट डिवाइड है। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार टेंथ में भी आपके बायो में साइंस में तीन सेक्शन है, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बायोलॉजी जो है वो साइंस की सबसे एक लार्जेस्ट ब्रांच है। तो साइंस की जो लार्जेस्ट ब्रांच है, इट मींस उस ब्रांच को हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी। तो बात उठती है, सर सबसे पहले बायोलॉजी का मीन क्या है? हम जैसा जानते हैं बेटा कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक लार्जेस्ट ब्रांच है, सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो बायोलॉजी। ठीक, अब बायोलॉजी का मीन क्या होता है? बायोलॉजी का यदि हम मीन देखें बेटा, तो बायोलॉजी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है बायो और एक है लोगस। और ग्रीक और लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग साइंस बनी है। जैसा साइंस का जो भी सब्जेक्ट है वो दो लैंग्वेज में है, लैटिन और ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक और लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग बायोलॉजी दो वर्ड का फॉर्म है, एक बायोस और एक लोगस। बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इट मींस स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टडी है, यानी वो जो ब्रांच होगी बेटा, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी। एक बार सुनो, बायोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका जो मीन है वो दो वर्ड का फॉर्म है, एक बायो, बायो मींस लाइफ, सेकंड लोगस, लोगस मींस स्टडी। इट मींस ये बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो है वो एक लार्जेस्ट ब्रांच है कि पूरी एक लिविंग थिंग की जो स्टडी है, इट मींस वो जो स्टडी है जहां हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग स्टडी, जो लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है, इट मींस लाइफ की जो स्टडी है, यानी वो साइंस की कौन सी ब्रांच कहलाएगी बेटा, बायोलॉजी। तभी अपन की साइंस को, अपन लोगों की जो साइंस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायो। तो मैं आपको आज बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा लाइफ प्रोसेसेस। सभी लोग देखा, आप लोग मार्केट से अपने बुक्स परचेस कर ली होगी, तो उसमें जब साइंस का जब सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर साइंस के अंदर बायोलॉजी का जो एक पार्ट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, वो फर्स्ट पार्ट है जो बायोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक बेटा, थोड़ा मैं इसके बारे में क्लियर करता हूँ बेटा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आफ्टर टेंथ के बाद साइंस स्ट्रीम में बायो को सिलेक्ट करेंगे, कुछ मैथ्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जो बायो को सिलेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, जो इन फ्यूचर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी को आप ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बायोलॉजी का अच्छा चैप्टर है। इसमें भी ऐसा है, आपका 70 मार्क्स का आपका यू नो वेरी वेल थियोरिटिकल का रहेगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। जैसे आपको देख लेना, आपका जो भी एनसीईआरटी का जो ब्लू प्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस, यू नो वेरी वेल, आज अपन देखते हैं एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। आज जैसे आप हो, मैं हूं, अपन, इट मींस लिविंग थिंग है। व्हाई लिविंग थिंग? क्योंकि हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है इट मींस वो लिविंग थिंग है। देखें,
हम डेली लाइफ में हमारी रूटीन में हम लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं और लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं इस नेचर में, इट मींस हम लिविंग थिंग। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी बात, जो लाइफ में सर्वाइव नहीं कर रहा है, जो लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इट मींस वो नॉन लिविंग थिंग। और यू नो वेरी वेल, ये आप 8th से 9th के बुक्स में आप पढ़ चुके, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। फिर एक बार मैं क्लियर करता हूँ, ह्यूमन बींग्स और जो आप और मैं और इट मींस अपने नेचर में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो लिविंग थिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो ब्लैक बोर्ड और टेबल चेयर पर आप बैठे हो, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। आप और मैं और जो नेचर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिविंग थिंग है, यानी कुछ जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, इट मींस वो लिविंग थिंग, और जो नहीं लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, इट मींस नॉन लिविंग थिंग। इतना क्लियर बेटा? ठीक है, खैर आप सबको मालूम है, फिर बार मैं रिपीट कर लिया। पहले इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं और शॉर्ट क्लियर करता हूँ, लिविंग थिंग अदर लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या लिखा है, लिविंग इज सेट टू बी अलाइव। अदर लैंग्वेज में हम देखें, लिविंग का मतलब है इज सेट टू बी अलाइव, और सिंपल वर्ड में हम देखें, अलाइव का मीन होता है हैविंग लाइफ, जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, इट मींस वो लिविंग थिंग। जो लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है, देखें अपन लाइफ को क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपन को। आपने देखा हो, आप सभी लोग और मैं, नेचर के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो लाइफ में स्ट्रगल वो ही करेगा जो इट मींस अलाइव होगा, जो लिविंग थिंग होगा, यू नो वेरी वेल। तो तभी मैंने इसकी कॉमन लैंग्वेज में एक सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग भी लिखा है, अलाइव मींस हैविंग लाइफ। और प्योर हिंदी में हम देखें बेटा, तो अलाइव इज कॉल्ड जीवित, अपन बोलते हैं सर मैं तो जीवित हूं, जीवित इट मींस अपन लिविंग थिंग्स। इतना क्लियर बेटा? ठीक है, यहां मैंने डिफाइन भी लिखी है, दोस थिंग्स विच आर अलाइव कॉल्ड लिविंग थिंग। मतलब इसका ये हुआ, कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो लाइफ सर्वाइव कर रही हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, इट मींस ऐसे थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर बेटा? एक बार सुन लो, जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इट मींस वो लिविंग थिंग है। ठीक, अब बात उठती है सर लिविंग थिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है या नहीं है। सब ये बेसिक पॉइंट्स हैं बेटा, सब आपने पढ़ रखे हैं, 10th में है तो अपन को एक बार और मैं आपको क्लियर कर लूं। पहला, लिविंग थिंग कैन मूव, जितने भी लिविंग थिंग है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनमें लोकोमोशन होता है और एक मूवमेंट भी होता है। आधे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा क्लियर करूं बेटा, लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस होता है। एक ही प्लेस पे रह के अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हिल रहे हैं, इट मींस वो मूवमेंट है, और पूरी होल बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा रही है, इट मींस वो लोकोमोशन। यू नो वेरी वेल, आप घर से कोचिंग पे आए हो, एकेडमी पे आए हो, फिर यहां से घर जाओगे, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस पे जा रही है, इट मींस उसके अंदर लोकोमोशन। पर मैं एक ही जगह स्टेबल हूं, और एक ही जगह स्टेबल होने के बाद मैं अपने मेरे जो ऑर्गन है उनको हिला रहा हूं, इट मींस उनका मूवमेंट है। ठीक, तो मूवमेंट और लोकोमोशन आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, पहली बात। फिर बात होती है, मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, एक ऐसा मूवमेंट होता है जो विजिबल होता है, एक मूवमेंट ऐसा होता है जो इनविजिबल होता है। सर मीन थोड़ा और क्लियर करो, विजिबल मूवमेंट जो है जो हमें फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो हमें दिख रहा है वो विजिबल मूवमेंट्स, और जो नहीं दिख रहा है वो इनविजिबल मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी के कुछ जो पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनमें मूवमेंट हो रहा है, वो विजिबल मूवमेंट्स आ रहे हैं, चाहे आईज हो गई, चाहे नोज हो गई, चाहे हैंड्स हो गए, लेग्स हो, विजिबल मूवमेंट है। पर मेरी बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो ऑर्गन है बेटा, जिनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो रहा है या फिर दिख नहीं रहा है, क्यों कहते हैं, तो बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है जो मूवमेंट हो रहा है पर में शो नहीं हो रहा है, वो इनविजिबल मूवमेंट। जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इनके अंदर मूवमेंट तो है बट हमें दिख नहीं रहा है, इट मींस इनविजिबल मूवमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग कैन मूव, फर्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लिविंग थिंग हो तो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा। पर टेबल चेयर है, यदि इसको हम खुद यदि इनको फोर्स अप्लाई नहीं करें तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे, इट मींस अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक बेटा, सेकंड, लिविंग थिंग कैन ग्रो, जितना भी लिविंग थिंग उनके अंदर ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को डाउट हो, हमारी बॉडी के शेप, साइज, वॉल्यूम, सेल्स में डिविजन होना, इट मींस
वो क्या कहलाएगा ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ भी होती है, यू नो वेयर लिविंग थिंग्स इन द चेक, कोई भी लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग्स नीड्स फूड एयर एंड वाटर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एक रिक्वायर्ड तीनों कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, फूड की भी, एयर की भी, वाटर भी, तो ये वो लिविंग थिंग कहलाएगा। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग थिंग है वो यंग वंस जनरेट कर सकते हैं, यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि उनकी सेल्स लिविंग थिंग्स में आ रही है, इट मींस वो लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग का एक मेन चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर भी आपके 10th में, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पर अभी सिंपल अपन वे में बात करें, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यंग वंस क्रिएट करने की इनमें एबिलिटी होती है, ठीक। तो ये और भी कैरेक्टर्स हैं, there are so many characters living things के अंदर, ये आप पढ़ चुके हो, एक मैंने सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेन चार कैरेक्टर्स बता दिए जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, बात होती है सर हमारे चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है, लाइफ सर्वाइव करना इस नेचर में, इट मीन्स वो लिविंग थिंग है पहली बात, हुई और लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें किन किन कंटेंट, किन किन रिक्वायर्ड की जरूरत है, और वो रिक्वायर्ड जो कंटेंट है वो किस प्रकार हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, इट मींस वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। कैसे, ये मैं डिफाइन लिखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। एक बार समझो, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गन्स, जितने भी लिविंग ऑर्गन हैं उनकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है वो ऑर्गन पर्टिकुलर क्या फंक्शन कर रहे हैं लाइफ सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे, इट मींस वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। अब बात होती है सर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी, इट मींस लिविंग थिंग के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, जो लिखा है बेटा, सम बेसिक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल न्यूट्रिशन, इसके बारे में पूरा अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जो है वो आपका मेन और मेन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स की अपन आइडेंटिफाई करते हैं, विदाउट न्यूट्रिशन लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड आ रहा है आपका रेस्पिरेशन, यू नो वेरी वेल 6, 7, 8 तक आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, इंटेक ऑफ O2 एंड अपटेक ऑफ CO2, ठीक है, पर यहां अपन पूरा रेस्पिरेशन का एक्सप्लेन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये सब आपने 8, 9 में पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से आउट करना, दैट्स वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन किन किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है, किडनी और इसके अलावा आपका लीवर, ये तो सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है लिक्विड कंटेंट का भी और सॉलिड कंटेंट का भी, ठीक, और वन ऑर्गन से नेक्स्ट ऑर्गन में लिक्विड और सॉलिड का, वन ऑर्गन टू नेक्स्ट ऑर्गन में जाना, इट मींस वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड फ्लूइड है, जैसे आपका ब्लड, यूनिवर्सल मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन जो लिक्विड कंटेंट में आ रहा है, फिर इसके अलावा लिम्फ है, वाटर है, एक्सेट्रा। ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, सेल्स के अंदर जो डिवीजन होना उससे हमारी बॉडी की शेप, वॉल्यूम और साइज में चेंज होना, दैट्स ग्रोथ। मूवमेंट, यू नो अभी मैंने आपको क्लियर किया, रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस, वो आपका रिप्रोडक्शन है। एंड रिस्पॉन्ड मींस स्टिमुलाई, हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस हैं, जो हमारी सेंसिटिव ऑर्गन है उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई होना, रिस्पॉन्डिंग होना, दैट्स वो प्रोसेस रिस्पॉन्ड। तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये लाइफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। इतना क्लियर बेटा, किसी को डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन, जो मैंने आपका मेन और मेन फर्स्ट पॉइंट लिखा है न्यूट्रिशन, ठीक। थोड़ा आप में से कोई क्लियर आपको व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन मैंने भी डिफाइन किया, आप एक सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप में से कोई स्टूडेंट में कोई बता सकता है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हमें किन किन चीजों से प्रोवाइड हो रहा है, ये थोड़ा आप बेटा कोई बता सकता है, थोड़ा बेटा कुछ आइडिया, ठीक है बेटा आपने कुछ बताया सही है, उसको मैं और फर्क ले कहता हूं। न्यूट्रिशन इट मींस, कहने का मतलब हो गया, यू नो वेरी वेल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लिविंग थिंग्स को लाइफ सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। यू नो एनर्जी में अपन ने पढ़ा था
छोटी क्लास में द कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज एनर्जी। लाइफ सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें तब मिलेगी जो हम न्यूट्रिएंट को इंटेक करेंगे। यूनिवर्सल चपाती ब्रेड और जितने भी ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स व्हाट न्यूट्रिशन है। सो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, सभी आपने नाम पढ़े भी रखेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है और उन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रिशन। एक बार सुन लो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लिविंग थिंग्स को लाइफ सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी तब हमें मिलेगी जब हम न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करेंगे। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स ये सभी आते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया और इसके अलावा चपाती है वही एक्सेट्रा, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। और जिन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इट मीन्स उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। इतना क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट? खैर वैसे सभी कॉमन पॉइंट्स हैं बेटा, आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखे हैं और ज्यादा अच्छे पढ़ रखे हैं। फिर भी आपने ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड थोड़ा आपको एक इंट्रोडक्शन देना था तो सी मैंने दिया है। इसमें कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक? इसको मैं कोई भी डाउट तो पूछना, ठीक ना। नेक्स्ट आ गया आपका पॉइंट न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड होता है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स और यूनिवर्सल लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ रहा बेटा यूनिवर्सल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आ रहा है फैट्स। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटीन। नेक्स्ट आ रहा है मिनरल्स। फिर आ रहा है विटामिन्स एंड वाटर। और नेक्स्ट जो एक और न्यूट्रिएंट्स में है वो है रफेस। सो कार्बोहाइड्रेट यूनिवर्सल जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, डिफरेंट टाइप की सीरियल्स, डिफरेंट टाइप की चपातीज, इनसे तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स यूनिवर्सल जितने भी लिपिड्स हैं जो ऑयल फॉर्म है वो सारे फैट्स में होगा, फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर कहा जाता है बेटा कि फैट्स से हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक बेटा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट है, पर बात उठती है सर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है तो कहने का मतलब क्या, फिर हमें फैट से हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड क्यों हुई? क्योंकि कारण कहा जाता है बेटा इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है तभी हमें ज्यादा एनर्जी में अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट प्रोटीन यूनिवर्सल जितने टाइप की दाल्स हैं, पल्सेस हैं, एलमंड्स हैं, प्लस इसके अलावा सोयाबीन है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ इन रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोयाबीन। मशरूम यूनिवर्सल, देखो आपने बरसात के समय में एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कुछ एक प्लांट लग जाता है दैट्स फॉर मशरूम सेप्रोफाइट्स है तो वो से हमें प्रोटीन प्रोवाइड होगा। पर मशरूम में वो ही बेटा जो एडिबल है, नॉन एडिबल इतनी हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं, ठीक। मिनरल्स यूनिवर्सल कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन सारे मिनरल्स हैं। विटामिन, वाटर यूनिवर्सल और एक रफीज, रफीज हमारी बॉडी के लिए अनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल है, ठीक। तो ये हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। तो कभी आपसे पूछे कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड देन रफीज, ठीक। इतना क्लियर? नेक्स्ट रफीज के बाद बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इसको अच्छी तरह से कर लेना। ये स्मॉल इट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अपन डिफरेंट लगे ताकि पता लगे हाँ इस पॉइंट चैप्टर में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज्यादा आपका माइंड कंसंट्रेशन होगा, ठीक। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में
पहला जो आ रहा फर्स्ट, जिसको अपन कहा गया एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका मेन भी एक में क्लियर करूंगा डॉक्टर। सेकंड आ रहा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है एटोट्रॉपिक और सेकंड है हेटरोट्रॉपिक। इसके बारे में आपको क्लियर करता हूं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो कभी भी आपसे कोई न्यूट्रिएंट्स का नाम पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड देन रफेज। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट है, फैट्स के अंदर कौन से एलिमेंट है, और कार्बोहाइड्रेट फैट्स किन के अंदर इंक्लूड है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप का है, ये थोड़ा देखना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक एटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। इतना क्लियर, ठीक है डॉक्टर, इसमें उत्तर ना होना। नेक्स्ट आगे देखना, सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी साइंस, अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, पूरी साइंस जो है वो दो लैंग्वेज पे बनी है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है, और ग्रीक और लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग इसका मीन आ रहा है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है एटो एंड देन ट्रॉपिक। एटो मीन्स सेल और ट्रॉफी मीन्स होता है बेटा नरिशमेंट, ठीक। तो इन शॉर्ट वे में हम बात करें सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट सेल्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वहां जो न्यूट्रिशन जो क्रिएट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अब बात उठती है सर कौन कौन किस किस चीज को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, ठीक बेटा। प्लस कुछ बैक्टीरिया, हाँ आपके मन में सब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स बॉडी के अंदर होते हैं, जहां से वो फूड प्रोवाइड फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए ले देता हूँ, जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये प्रोनाउंसिएशन करो तो बहुत अच्छा है। तो ये सारे दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स, ये सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इतना क्लियर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जिसके थ्रू फूड प्रिपेयर हो रहा है, आप सभी लोगों को आपने पढ़ रखा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, जो बायोलॉजी के अंदर मेन पार्ट है, जो अपन फिफ्थ सिक्स सेवन से पढ़ते हैं। बस इतना है कि यहां अपन पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे, ठीक। और फोटोसिंथेसिस यूनिवर्सल एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं, ये सभी आपने एट नाइन्थ में इसकी डिफाइन पढ़ रखी है, ठीक। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, दो वर्ड का फॉर्म है, एक फोटो और एक है सिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट में सनलाइट लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक। और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर जो वाइटल प्रोसेस जो है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स उनके अंदर जो वाइटल प्रोसेस है, उस वाइटल प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस। पहली बात, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, आप में से कोई बता सकता है स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। देखा इधर, सबसे पहले यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बेटा। और ये क्या है, H2O, H2O means water,
जब ये पूरी एक्टिविटी किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट, इसके अंदर जो एनर्जी होगी लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी किसके अंदर होगी सनलाइट, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। प्लस एक आपने पिगमेंट का नाम पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है जो केवल फाउंड इन ओनली प्लांट्स, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट। एक जनरल इक्वेशन लिखा होगी मैं, और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रिएक्ट करते हैं लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में और रिक्वायर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, तब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, सॉरी। और साथ में आपको क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और एनर्जी रिलीज हो रही है यानी वहां जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या इंटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे हैं, तो यहीं से अपन को माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए वहां कौन सी प्रोसेस होगी प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस। पर एक जनरल इक्वेशन है, परंतु अपने 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन है। पहली मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूं एंशियंट इक्वेशन, एंशियंट इक्वेशन इट मींस जब हम साइंस पढ़ते थे 10th क्लास में, तब एनसीईआरटी में जो बुक थी आपकी रिएक्शंस, वो क्या है आपकी, वो ये थी बेटा जो मैं आपके सामने लिखा हूं, 6CO2 और 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल, ठीक। जब ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, सनलाइट, यानी कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी, ठीक। रिक्वायर्ड पिगमेंट यू नो क्लोरोफिल, एक टाइप का कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तब किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, ग्लूकोज, पढ़ा हुआ ध्यान आई कुछ इक्वेशन 8-9 की, ठीक है। तो ये ग्लूकोज हो गया, और साथ में फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, O2 यानी ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट हो रहे हैं तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड किया गया है, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन। फोटोज में मैंने आपको बताया कि प्लांट O2 को इवॉल्व कर रहे हैं और गैस है, तो एरो का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये एंशियंट इक्वेशन, परंतु मॉडर्न जो इक्वेशन है बेटा, और मॉडर्न इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन है, 6CO2 12H2O सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, यू नो वेरी वेल। तो हमें क्या प्रोवाइड हुआ, मेन प्रोडक्ट तो हमें वही मिलेगा बेटा, साथ में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगी और H2O। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो यू नो वेरी वेल, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन के कितने हैं 6 है, कार्बन के 6 आ गए, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 2 24, तो 12 तो हो गए, और 6 12 12 24, ठीक। ऑक्सीजन के हम काउंट करते हैं, 6 12 12 24, ऑक्सीजन काउंट कर लो, 6 सही हो गए, 6 12 12 6 18 18 6 24, यानी कुल मिला के रिएक्शन पूरी बैलेंस है। तो ये आपका बन जाएगा, अब आप बोलते हैं इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर के 6 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 12 है, तो इसके कारण यहाँ वाटर रिलीज नहीं हो रहा है, और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वहां वाटर का मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट में भी रिलीज होगा। तो ये आपकी एंशियंट इक्वेशन, ये मॉडर्न इक्वेशन, और एक जनरल इक्वेशन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो रिएक्ट होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक। तो ये आप दोनों इक्वेशन में जो सा आपको बेटर लगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एग्जाम से, और इन फ्यूचर आप 11th में जाओ बायो लोगे तो आपको ये वाली क्वेश्चन मिल जाएगी, और होस्ट है एनसीईआरटी में दोनों दे रखे हो, तो जो सा आपको सुटेबल लगे इक्वेशन दोनों से ही वो आप याद करते हैं। यानी इन शॉर्ट वे में हम बात करें कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करेंगे और CO2 को इंटेक करते हैं, ठीक। और इनके लिए रिक्वायर्ड पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है जिसके थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर भी नहीं करेंगे, और पूरी एक्टिविटी जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी का जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, लाइट एनर्जी, और यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या बन रहा है, ग्लूकोज। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, लिख सकते हो, वैसे आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सब ये पॉइंट्स आपने 9th में पढ़ रखे, 8th में पढ़ रखे, फिर भी डाउट होगा तो मैं आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखते हो। बस मेरा आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो पूरा वीडियो देखना और इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू।